अंबाला में बीते दिनों हुए जैगुआर विमान हादसे के बाद वायुसेना ने इस विमान हादसे का पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर हैंडल पर भी डाला और उसमें बताया गया कि कैसे पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद विमान का एक इंजन फेल हो गया और पायलट ने तुरंत कैसे एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। वायुसेना इस हादसे के बाद सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर वायुसेना के अधिकारियों ने बीते सप्ताह जिला प्रशासन की एक मीटिंग बुलाई जिसमें विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग के बाद वायुसेना के एयर कमांडर ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर बताया कि ये विमान हादसा अगर मात्र 2 सेकंड बाद होता तो वायुसेना की दीवार के साथ अवैध रूप से बने सैकड़ों रिहायशी मकानों में तबाही का मंजर होता। एयर कमांडर ने अपने पत्र में डिफेंस मिनिस्ट्री के पत्र का हवाला देते हुए ये भी लिखा कि एयरफोर्स की दीवार के 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन अवैध मानी जाती है, लिहाजा सर्वे करने के बाद ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया जाए जो वायुसेना की दीवार से 100 मीटर के दायरे में आते हैं। मामला देश की सुरक्षा और देश की संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा प्रशासनिक अधिकारी भी तुरंत एक्टिव मोड में नजर आए और इस पर काम शुरू कर दिया। एयरफोर्स ऑफिशियल से लेटर आया और लेटर के बाद एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के द्वारा जो जितने भी अवैध जो निर्माण हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, तत्पश्चात उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। एयरफोर्स के अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम अपने विभाग की तरफ से गए थे और जो फ्यूल टैंक जो एयरक्राफ्ट के वो गिरे थे वो एकदम बाउंड्री वॉल पे एयरफोर्स की गिरे जाके और एक मकान के अंदर कुछ उसका पार्ट भी किसी के मकान में गिरा। तो उसके लिए कह रहे थे उनके अपने ला के मुताबिक एयरफोर्स के 100 मीटर तक कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकता, तो वो इसके बारे में प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि अभी इसको जो है ना रिमूव करवाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। वायुसेना के अधिकारियों की सख्ती और प्रशासन की हलचल के बाद अब वायुसेना की दीवार के साथ मात्र 5 मीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों ने भी इस सरकारी फरमान के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन लोगों ने जब यहाँ मकान बनाए तब सरकारी बाबुओं ने उन्हें क्यों नहीं रोका। एयरफोर्स अधिकारी अगर तब यहाँ बनने वाले एक भी निर्माण को गिरा देते तो ये नौबत ना आती। अब जब वो सालों से यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ से उठाना कहाँ का इंसाफ है। वहीं महिलाओं का कहना है कि वो यहाँ हज़ारों की तादाद में रहते हैं, बाकायदा पानी का बिल, हाउस टैक्स, बिजली का बिल सब कुछ भरते हैं। इन्होंने अपने घर पर पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी और अगर इन्हें यहाँ से उठाना ही है तो पहले उनके लगाए हुए पैसे दिए जाएं। जी किराना क्या है, जब हम यहाँ बसे थे आके इनका फर्ज था, उस टाइम हमारे को ना पाने देते। अब ये रक्षण उठा रहे हैं तो इनका कोई मतबल ही नहीं बनता, या अपनी द्वार अंदर ले ले, इतनी जनता को परेशान कर रही है। कितने सालों से रह रहे हैं? पैसा लगाया जी इतना इतना, कहाँ उठ के जाएंगे हम। ठीक है जी, इतना इतना पैसा दे जाए हमारे को, जितना लगा हुआ है सारा हम उठ जाएंगे। क्या कहना चाहते हो? बस जाएंगे कहाँ पे, पैसा दो पहले, जितना लगाया हुआ है उतना पैसा मिलेगा हमारे को। आप लोगों की रजिस्ट्री है? हाँ जी सब कुछ है जी, पानी का बिल भरते हैं, रजिस्ट्री है, इनकम टैक्स भरते हैं, सारा सब कुछ भरते हैं हम, बिजली का बिल देते हैं। नहीं सर, उसके बारे में ये है कि जब यहाँ पे कॉलोनी बननी शुरू हुई थी तो उनको चाहिए था कि उसी टाइम ही रोक देते। हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, हर एक चीज़ है हमारे पास यहाँ पे। तो आज हम 35-36 साल से यहाँ रह रहे हैं, उससे भी कहीं तो इससे भी ज़्यादा रह रहे हैं कहीं यहाँ पे बंदे। तो ये पहले नहीं कह सकते थे हमें कि यहाँ पे अवैध है जो भी है, यहाँ बोर्ड लगा के रखते, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते। वैसे भी तो ये दीवार इन्होंने यहाँ पे बनाई है, तो ये दीवार आगे का एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेते, उसमें क्या था। अंबाला में जो विमान हादसा हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण आसमान में उड़ने वाले पक्षी थे, लिहाजा वायुसेना के अधिकारियों ने अपने पत्र में जिला प्रशासन से ये भी कहा कि वायुसेना के आसपास के दायरे में रहने वाले लोग अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं जो वायुसेना के विमानों के लिए बहुत घातक है। जिला प्रशासन ने इसके लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और साथ ही आसपास के इलाके में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आदेश भी दिए हैं ताकि पक्षी वहाँ ना मंडरा सकें। इस संदर्भ में एयरफोर्स सिविल और पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि आसपास के जो लोग हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए कि वो अपने छतों पे और इस तरह के पक्षियों के लिए दाना ना डालें और भी कूड़ा करकट भी अपने आसपास ना करें। और हमने भी हमारे जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं उनको सफाई व्यवस्था आसपास दुरुस्त करने के लिए बोला है। पक्षी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए कितने घातक हो सकते हैं इसके लिए हमने भी स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने माना कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी यहाँ पक्षियों को दाना पानी देने के लिए अपनी छतों पर बर्तन ना रखे।
अम्बाला जो है वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और उसके लिए लोगों को और ख़ास तौर पे उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ किसी भी किस्म की बर्ड फ्लाइंग ना हो। उसके लिए वहाँ उन्हें किसी भी तरह का दाना छत पर नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उस एरिया में ख़ास तौर पर सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस अब अम्बाला में बनने जा रहा है और उसी तरह से सारे शहर को हमारे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सिटीज़ कि हम अपने शहर को बहुत ज़्यादा साफ रखें, जिसके लिए हमारे शहर का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। यस सर, एक्चुअली क्या है जो दाना पानी देने से कुछ तो लोग अपना पुण्य के लिए करते हैं, ऐसा अपने छतों पर देते हैं, बट यहाँ पे तो इतने बर्ड्स वगैरह उड़ते दिखते नहीं। अगर उनको ऐसा लगता है तो हम इसको रोकेंगे। सर ऐसा है कि बीइंग इंडियन सिटीजन हम कोई ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करते, अगर उनकी तरफ से हमें कोई गाइडलाइन आई है हम उसको आगे और ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वैसे तो हम फिर भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा कोई यहाँ पे कूड़ा करकट ना गिराया जाए जिससे पक्षी से विमान वगैरह टकराने का खतरा बना हो, लेकिन फिर भी हम आगे फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी बात नहीं। हाँ सर, हम तो रखते नहीं, आप चेक कर सकते हैं, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ का एरिया बिल्कुल साफ है, कोई ऐसा पक्षी सनूड़ भी नहीं रहा यहाँ पे, या कोई ऐसा गंद गिरा होगा जिसकी वजह से कोई बर्ड्स वगैरह आके यहाँ पे घूम रहे हों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं फ्यूचर में अब हमें गाइडलाइन मिली है तो हम और ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कोई अगर ऐसा कुछ करेगा तो हम उसको रोकेंगे करने से। आपको बता दें कि अम्बाला छावनी में सेना और वायुसेना का एक बहुत बड़ा बेस है, लिहाजा पूरे शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त होना भी जरूरी है। यहाँ से ट्रेनिंग के लिए रोज दर्जनों विमान उड़ान भरते हैं। शहर में सफाई नहीं होगी तो आसमान में चील और कौवे जैसे पंछियों का मंडराना स्वाभाविक है। ऐसे में शहर की सफाई पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और अम्बाला छावनी से विधायक अनिल विज से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि पूरे जिले के कूड़े को शहर से बाहर ले जाने के लिए शहर से 23 किलोमीटर दूर 300 करोड़ रुपए की लागत से गार्बेज मैनेजमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जहां कूड़े से बिजली बनाने का काम होगा। एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास तो पक्षी पालने पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए और इसीलिए एयरफोर्स ने पैसे दिए थे यहाँ पर गार्बेज डंप बनाने के लिए, जो दिए गए थे वो एयरफोर्स द्वारा पैसे दिए गए थे कि शहर अगर गंदा होगा तो पक्षी आएंगे। और अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जहाज भी आ रहा है तो शहर के लोगों को सारे शहर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि बर्ड हिट से, एक बर्ड हिट से भी अभी हादसा होके हटा है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, सारा शहर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वो जो पिछली सरकार थी वो उन्होंने बार बार उसकी जगह बदली, उस सरकार के आने से पहले हमने कोई और जगह निर्धारित की हुई थी जहां आसानी से सारा कूड़ा कचरा जा भी सकता था, तो पिछली सरकार ने ना जाने किन कारणों से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के तो कारण की जांच होगी तो पता लगेगा, यहां से कहो बहुत दूर पटवी में वो बना दिया जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत खर्चा लगता है और वो प्रोजेक्ट की कभी NOC नहीं ली गई, कभी वो फंक्शनल नहीं हुआ। अब हमारी सरकार ने वहाँ पर पावर स्टेशन बनाने का टेंडर फ्लोट किए हैं और इस माह में वो टेंडर खुल जाएंगे, वहाँ पर पावर स्टेशन लगाया जाएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया था वो वाइबल नहीं था, वो खाद बनाने का प्रोजेक्ट था, वो सभी जगह पर फेल हो गए, तो अब बिजली बनाने का यहाँ पर लगाया जा रहा है, जल्दी टेंडर खुलेंगे और सारा कचरा उठा के उससे बिजली पैदा की जाएगी। सनीतु शीर संघ, दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।